भारत निर्वाचन आयोग ने 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कराने का फैसला किया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के सुमसेरगंज और जंगीपुर और पिपली उड़ीसा में भी मतदान होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र पर मोदी की फोटो पर कहा, मुझे आपकी फोटो पसंद नहीं है, आप अपनी फोटो सड़क के किनारे क्यों लटकाते हैं? Suppose I am not your supporter, why I will use your photo? You compulsory COVID certificate, you gave photo. I don't like you, but I have to carry this, why? Where is the freedom of the people? Now you allow death certificate also, your photo? It's too much. PM मोदी के जन्मदिन से देशभर में सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी BJP। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। BSP नेता सतीश मिश्र के बेटे कपिल मिश्र भी BSP की राजनीति में कूदे। आज उन्होंने कानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। प्रयागराज विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ आरोप तय, स्पेशल कोर्ट ने 14 बिंदुओं में तय किया आरोप। पत्नी MLC रामलीला मिश्रा के खिलाफ भी आरोप तय, अपने रिश्तेदार का मकान कब्जा करने के मामले में गोपीगंज थाने में दर्ज है FIR। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इसी माह के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आज UP के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा आजमगढ़ पहुंचकर निरीक्षण किया गया। मायावती ने कहा, BSP के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। BJP के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। लखनऊ जिला प्रशासन और रेड क्रॉस की मदद से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। राज्यपाल होंगी मुख्य अतिथि। 300 यूनिट के ब्लड डोनेशन का लक्ष्य, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने दी जानकारी। एक सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 40.4% वोट हिस्सेदारी के साथ पहली पसंद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चौरी चौरा बाढ़ राहत केंद्र गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित किया। उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को बिना देरी किए राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने पहला गोल्ड मेडल दिलाया। अब काबुल में अपने हक के लिए महिलाएं लगातार दूसरे दिन सड़क पर प्रदर्शन करने आई है। महिलाओं का कहना कि बंदूक के दम पर डराने का वक्त अब गया, संघर्ष सड़क पर होगा, आजादी और अधिकार दोनों चाहिए। अयोध्या में असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे के विरोध में उतरे विवादित ढांचे के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी। इकबाल ने भारतीय मुसलमानों को ओवैसी से सतर्क रहने की दी नसीहत। बैना में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखने पर भी अंसारी ने जताई नाराजगी। कानपुर में शादी अनुदान योजना में फर्जीवाड़े में गिरफ्तार समाज कल्याण विभाग के बाबू शिव गोविंद को शासन ने निलंबित कर दिया। वहीं पारिवारिक लाभ योजना के बाबू प्रेम शरण को भी पटल से हटा दिया गया है। शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। गाजीपुर में 25,000 के इनामिया को पुलिस ने किया अरेस्ट, फरार अपराधी गुलशन यादव को किया गिरफ्तार, कब्जे से पिस्टल कारतूस पुलिस ने बरामद किया। माहपुर रेलवे स्टेशन के पास से हुई गिरफ्तारी। UP के बाराबंकी में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला, फांसी के फंदे से लटका मिला शव। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जाहिर की। असंद्रा थाने के पश्चिम बेलाव का मामला। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।